बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, हमने लास्ट टाइम जो देखा था ना कि आउटपुट फंक्शन जो हमें जो भी हम कंप्यूटर से डाटा ले रहे हैं ना, वो हमें फीड करा रहा है, मतलब हमारे पास जो फीड हुआ डाटा है उसे डिस्प्ले करा रहा है स्क्रीन के ऊपर। उसमें हमने प्रिंट एफ फंक्शन की एग्जांपल देखी, फिर हमने पोट करेक्टर की भी एग्जाम्पल देखी और फिर पोटेस एग्जाम्पल देखी है। अब उसे पोटेस को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो हमारे पास ये है वाइड मेन, लेट्स सी करैक्टर था वेरिएबल नेम, और फिर उसमें आप नेम स्टोर करना चाहते हैं और उसकी फील्ड वेथ रख दी 20 करैक्टर, और उसमें सपोज नेम स्टोर कर दिया आली, यानी ऐसा वेरिएबल है नेम जिसमें कितने स्ट्रिंग लेटर स्टोर हो सकते हैं 20, और इसे आप बेशक प्रिंट एफ के थ्रू आप इस तरह प्रिंट करवा दें ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा देंगे नेम, तो ये भी हमारे पास प्रोग्राम यूज़ हो रहा है प्रिंट एफ के। और अगर यहाँ पे आप प्रिंट एफ की जगह पोटेस यूज़ कर रहे होते उसका फॉर्मेट क्या होगा, पोटेस, और किसको प्रिंट करा रहे हैं एक्चुअल में हम नेम को, तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो स्क्रीन पे शो होगी वो भी खाली आ रही होगी। तो ये था इसके लास्ट टॉपिक में से एग्जांपल, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे ना, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट फंक्शन, सॉरी, इनपुट फंक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम से आप जब आउटपुट लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डाटा फीड होना ज़रूरी है, यानी डाटा का स्टोर होना ज़रूरी है। हम कहते हैं द फंक्शंस विच आर यूज टू फीड द इनपुट इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। क्या बेटा, कि जो ऐसे फंक्शन जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर डाटा को फीड करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड इनपुट फंक्शंस। द फंक्शंस विच आर यूज टू फीड द डेटा, यानी जो आप कंप्यूटर को देंगे ना वो फीड करेगा इनटू प्रोग्राम, किसके थ्रू, थ्रू इनपुट डिवाइसेस। आप ये भी लिख सकते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जिसके थ्रू यूज करते हुए हम कंप्यूटर में प्रोग्राम के अंदर डाटा फीड करेंगे उसे हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। उसमें से हम देखेंगे स्कैन एफ, इसके बाद गेट सी एच, गेट सी एच ई फंक्शन। ये बेटा तीन फंक्शन है, इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्कैन एफ फंक्शन, सॉरी, स्कैन एफ फंक्शन। आप देखें स्कैन एफ फंक्शन में हम मोस्टली कौन से, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन ये है।
किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुए? पहले भी तो आप इनपुट ले रहे थे कि इंट एज इक्वल टू 20, 30, कैरेक्टर में भी दे दिया कि सपोज ए में एम स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग के भी, तो यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों हम यूज़ करते हैं स्कैनर फंक्शन? तो बेटा इसका पर्पज़ ये है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, हमने जब यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो ना तो देन हम यूज़ करते हैं स्कैनर फंक्शन। अदरवाइज जो आप सिंपल इनिशियलाइजेशन से इनपुट ले लेते हैं किसी वेरिएबल के थ्रू, तो आप उसमें वैल्यूज़ के अंदर, इनपुट्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, यानी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को हमने चेंज करने के लिए या इस चीज़ के सोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहें तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? स्कैन एफ फंक्शन। हम कहेंगे इट इज़ यूज टू, इसका पर्पज़ क्या है? इट इज यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये रन टाइम यूजर से वैल्यू लेगा कि क्या हो सकते हैं इसके ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम, सिंटैक्स क्या है? स्कैन एफ फंक्शन, इसमें भी हम कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे और फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल या लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। बेटा माइंड में रखिएगा, इसके अंदर स्कैन एफ के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रिंग होगी इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, टेक्स्ट नहीं होगा। इसके अंदर मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर या हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर या स्केप सी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आपको इसका पता है। इसकी एग्जांपल क्या है? जब हम एग्जांपल के तौर पे जाते हैं तो स्कैन एफ, स्कैन एफ आपके पास आ गया। इसके बाद क्या है? सपोज एक वेरिएबल है तो सपोज ए आप वेट कर रहे हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एम्परसेंड साइन। ये एक्चुअल में एड्रेस कर रहा होता है कि जो डेसिमल इंटीजर वैल्यू वो किसके अंदर स्टोर्ड हो, एक के अंदर हो, यानी इसके एड्रेस को लोकेट करने के लिए हम, पॉइंट करने के लिए हम ये एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम डिटेल्स के साथ, प्रोग्राम एक बनाते हैं जिसका पर्पस क्या है। वॉइड में आपने प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव से लिखना है। हम सपोज दो नंबर्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, इंट ए एंड बी एंड सम, दो नंबर का सम फाइंड करना है, तो इसका एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, एंटर फर्स्ट नंबर
वर्बल कोटेशन में जो चीज़ देंगे एज इट आएगी, आपको प्रिंटेड मिलेगी। स्कैन एफ ए पहला नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया ए, प्रिंट एफ एंटर, सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर हो गया, ठीक है बेटा। और अगर आप सम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन। अब आगे इसको किस तरह कंटिन्यू करना है, अब आपने इसकी आउटपुट प्रिंट करनी है, प्रिंट एफ अब लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स। एक्चुअल में हम किस कितने नंबर्स का फाइंड कर रहे हैं, सम टू नंबर्स का, और वो रिजल्ट किस में जा रहा है, सम में एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम, और यहाँ पे गेट सी एच, ये आपके पास एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब जब ये रन होगा, इसकी ड्राई रन देखें, ये सपोज मेमोरी है और ये स्क्रीन है, तो सबसे पहले जब कंपाइलर आएगा, थ्री वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं ए बी एंड सम। जब प्रोग्राम की ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये यूज़र से वैल्यू में ले रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड स्टार्ट में बताया। सपोज किया यूज़र ने यहाँ पे 20 एंटर कर दिया, तो ये ए के अंदर जाके 20 स्टोर कर देगा बेटा, इज इट क्लियर। नेक्स्ट यानी ये किस तरह ए के अंदर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट जब हुई तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ले रहा है, और ये वैल्यू पॉइंट कर रहा है किस में स्टोर होनी है, ए वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर सेकेंड नंबर, और जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये पॉइंट कर रहा है कि इसमें बी की वैल्यू लेने के लिए, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन मार्क, जब ये क्वेश्चन मार्क गएगा तो यूजर ने सपोज एंटर कर दिया 30, तो ये बी के अंदर क्या स्टोर कर देगा बेटा, बी के अंदर 30 स्टोर हो गया, ए और बी की वैल्यू आपको रिसीव्ड होगी। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन लगा हुआ है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का सम करेगा, यानी मेमोरी के अंदर दोनों का सम का फार्मूला है ए प्लस बी लगा हुआ है, तो दोनों का जब सम फाइंड करेगा ए प्लस बी, ए की वैल्यू 20 है प्लस 30, तो क्या आ जाएगा 50 स्टोर हो जाए। यहाँ तक एग्जीक्यूशन समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लिखा आ रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज मिलेगा सम ऑफ टू नंबर्स, और टू नंबर्स का सम क्या है बेटा यहाँ पे 50, तो आपको यहाँ पे 50 स्टोर मिले, तो ये आपके पास एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन आ गई प्रिंट एफ और स्कैन एफ को यूज़ करते हुए, कि हमें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वेरिएबल प्रोग्राम जो है वैल्यू ले रहा है और हमारे पास इनपुट आ रही है, तो ये एक मेथड है। आप इस मेथड को चेंज भी कर सकते हैं, किस तरह इसे शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, इस प्रोग्राम को अगर मॉडिफाई करके इस तरह भी देख सकते थे। कैसे बेटा, ये तीन वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करा दिए, डिक्लेयर किए, यानी इसके बाद क्या है, आप लिखते हैं प्रिंट एफ, इधर मैसेज देते हैं एंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम है तो आप, ठीक है, स्कैन एफ एस एन डी, एस एन डी आप सेमी कॉमा भी लगा सकते हैं दरमियान में,
पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, ये देखिए लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट या पैरामीटर्स हैं ये वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। या तो एक्सप्रेशन लगाए या डायरेक्ट भी कह सकते हैं प्रिंट एफ, हमें मैसेज दें सम ऑफ टू नंबर्स किस में स्टोर्ड होना है, यानी सपोज आप कहते हैं ए प्लस बी दोनों का सम यहाँ पे कर दें और गेट सी एच, या तो आप सम का अलग एक्सप्रेशन लगा दें या इधर कर दें सम, कोई इशू नहीं। आप देखें जब ये प्रोग्राम जब बेटा एग्जीक्यूट होगा अगेन वही ये मेमोरी है और ये स्क्रीन है, जब मेमोरी के अंदर हम देखते हैं ना तो हमारे पास क्या होगा, ये लिखा हुआ है पहले थ्री वेरिएबल्स है ए बी सम, लेकिन सम का तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो बेशक यहाँ पे इसको ना लिखे और यहाँ पे ही इसको एंड कर दे, ठीक है। मैंने बताया था ये जो सेमी कॉलन है स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, इट इज़ यूज टू एंड टर्मिनेट द स्टेटमेंट या एंड ऑफ स्टेटमेंट। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं इंट्रोड्यूस हो गए, मैसेज जो स्क्रीन पे आएगा वो लिखा आ रहा होगा एंटर टू नंबर्स और फिर क्वेश्चन मार्क आपने पहले के लिए वैल्यू लेगा, आपने एंटर किया 20 या सपोज 50 तो ये 50 यहाँ पे जैसे एंटर किया ना सपोज 50 तो ये भी द 50 स्टोर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा मतलब साथ एंटर करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू लेगा, आपने एंटर किया था 100 तो ये 100 जो है ना किसकी स्टोर हो जाएगी वैल्यू सेकेंड नंबर बी के। आगे जो मैसेज आएगा इस स्टेटमेंट का वो क्या आ रहा होगा, सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का सम करेगा जो रिजल्ट होगा उसका क्या डेसिमल वैल्यू, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दोनों का सपोज 50 प्लस 100 150 ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास किसका फंक्शन है बेटा, स्कैन एफ का फंक्शन है। तो यहाँ तक कोई बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो या ये आपके पास स्कैन एफ फंक्शन आ गया। नेक्स्ट है गेट सी एच, गेट सी एच नेम से क्लियर है गेट द करैक्टर, पर्पज़ क्या है, इट इज़ यूज टू गेट अ करैक्टर, ठीक है। बट ये जो है जो करैक्टर एंटर करेंगे ना ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेंगे, यानी ये जो फंक्शन है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेगा, इट डज नॉट डिस्प्ले द करैक्टर ऑन द स्क्रीन। कैसे इसका सिंटैक्स देखते हैं, वेरिएबल गेट सी एच ये फंक्शन, ठीक है। सपोज इसके एग्जांपल सिंपल अभी एग्जांपल है डिटेल के साथ मैं देता हूँ, आप लिखते हैं सपोज एम और इधर गेट सी एच लिख देते हैं तो ये तो एक फंक्शन है, इसके एग्जांपल ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सिंपल वे में आप इस तरह से देख सकते हैं एम एक वेरिएबल है और ये गेट सी एच वैल्यू ले रहा है, लेकिन इसकी डिटेल एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ एक छोटे से प्रोग्राम के साथ। मैं कहता हूँ वाइड मैन कलेक्टर एक वेरिएबल है सपोज एम, ठीक है, प्रिंट एफ यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ मैं एंटर आ करेक्टर स्कैन एफ। अब स्कैन एफ यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यूज़ करें गेट सी एच इनपुट के तौर पे। तो बेटा यहाँ पे आएगा वेरिएबल क्या एम है, फंक्शन क्या है गेट सी एच है,
आगे आप इसे प्रिंट एफ के थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इसे एंटर करेक्टर को प्रिंट करना हो तो ये भी कर सकते हैं, इसकी भी साथ साथ कर देता हूँ मैं। यानी सपोज आपने लिखा प्रिंट एफ यू एंटर और मेड स्पेसिफायर क्या होगा इसका सी और किस में है गेट सी एच, इसकी एग्जांपल है ये गेट सी एच की। अब देखें जब ये रन होगा ये प्रोग्राम तो एक एम एक वेरिएबल है और स्क्रीन पे ऊपर मैसेज आ रहा होगा एंटर अ करेक्टर। अब देखिए जब मैसेज आ रहा है ना एंटर अ करेक्टर तो यूजर ने अगर एंटर किया ना सपोज ए, ये माइंड में रखिएगा ए यूजर ने एंटर किया लेकिन ये स्क्रीन पे इधर आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये जब ये रन होगा ना तो ये करेक्टर मांग रहा है, लेकिन जब गेट सी एच फंक्शन यूज हो रहा है ना यूजर ने ए एंटर किया हिडन है नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब ये प्रिंट एफ फंक्शन यूज हो रहा है ना तो ये बता रहा है कि आपने क्या एंटर किया था। जो मैसेज आएगा यू एंटर यहाँ पे क्या है आपने क्या एंटर किया करेक्टर वैल्यू क्या एंटर किए सपोज ए किया तो यहाँ पे शो होगा। इधर गेट सी एच फंक्शन की जगह यूज़ नहीं होगा। अगर मैं ये लाइन यूज़ नहीं करता इसे कमेंट कर देता हूँ बेटा ये लाइन यानी यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे स्क्रीन पे मैंने हालांकि ए एंटर किया था लेकिन मुझे ए नज़र नहीं आ रहा हिडन है। इज इट क्लियर समझ आ गई बेटा। तो ये है गेट सी एच फंक्शन का रोल प्ले। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ गेट सी एच ई फंक्शन की तो उसका पर्पज़ देखें क्या है। गेट सी एच ई फंक्शन इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज भी यही है इट इज यूज टू गेट अ करेक्टर। और जो करेक्टर गेट कर रहा है ना ये उसको डिस्प्ले भी कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम कह सकते हैं इट डज डिस्प्ले द करेक्टर ऑन द स्क्रीन क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड ये यूज हुआ है ना इसका मतलब है इको बेटा। इको का मतलब इट डिस्प्ले द करेक्टर ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। तो ये गेट सी एच फंक्शन का रोल प्ले है। अब इसी एग्जांपल को लेके चलूँ यानी अगर सिंटैक्स इसका देखते हैं चले सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स वही है इसी के फंक्शन की तरह है जो हमने अभी देखा है। अगेन वही यहाँ पे वेरिएबल आएगा और ये गेट सी एच ई फंक्शन आएगा और एग्जांपल क्या होगी इसकी यहाँ पे अगेन एम और गेट सी एच ई वाले ये इसकी सिंपल एग्जांपल। अब डिटेल एग्जांपल अभी कुछ देर पहले मैंने इसकी दी है तो उसको हम फॉलो करते हैं। यानी इसमें आपने लिखना है इट डज डिस्प्ले द करेक्टर ऑन द स्क्रीन और गेट सी एच जो है ना ये डिस्प्ले नहीं करता। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं वाइड में करेक्टर एम मैंने ले लिया प्रिंट एफ आप लिखते हैं एंटर करेक्टर इधर आप यूज करते हैं क्या एम गेट सी एच ई इज इट क्लियर बेटा। और अगर ये फंक्शन यहाँ तक यूज़ करते हैं गेट सी एच में ये तो बताता हूँ इधर इसका भी क्या रोल प्ले है। तो देखिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना तो मैसेज आ रहा होगा एंटर अ करेक्टर। अब यूज़र ने ए एंटर किया ना तो अब ये डिस्प्ले करेगा ये जब ये वाला पार्ट इनपुट के तौर पे ले रहा है तो एम के अंदर क्या स्टोर हो गया ए। अब अगर वो स्टेटमेंट लिखते हैं इधर प्रिंट एफ You entered
करेक्टर वैल्यू किस में स्टोर है, एम में। तो आपको मैसेज ये भी साथ साथ आएगा, यू एंटर्ड क्या वैल्यू है, ए सपोज ए आपने एंटर किया तो एम में है। तो माइंड में रखिए गेट सी एच में हमारे पास जो वैल्यू करेक्टर हम एंटर कर रहे थे बेटा, वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, यानी हिडन था। लेकिन ये नीचे आप जब प्रिंट करना चाह रहे थे तो प्रिंट हो रहा था। लेकिन जब ये गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो जो करेक्टर आप एंटर भी कर रहे हैं उसको भी डिस्प्ले कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अब दोनों में यही डिफरेंस है जो अभी मैंने बताया कि जो गेट सी एच फंक्शन है ये दोनों का पर्पज़ सेम है, लेकिन बट जो मेन काज है वो डिस्प्ले करेक्टर करता है, ये नहीं करता ई फंक्शन। इट इज यूज टू गेट अ करेक्टर, जे बी इट इज यूज टू गेट अ करेक्टर। इसमें आप देखेंगे इट डज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, इट डज नॉट डिस्प्ले द करेक्टर ऑन स्क्रीन, बट ये जो है अभी आपने देखा एग्जांपल भी, इट डिस्प्ले द करेक्टर ऑन द स्क्रीन। बात समझ आ गई बेटा। और एग्जांपल क्या है, सपोज आप एग्जांपल दे दें m इज इक्वल टू गेट सी एच, और इधर लिख दें m इज इक्वल टू गेट सी एच ई। ये इसकी एग्जांपल क्लियर हो जाती है, यानी जब ये एग्जीक्यूट होगी ना तो सपोज यूजर एंटर ले रहा है वैल्यू के एंटर अ करेक्टर, इधर कोई करेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब ये एकदम आपको चीज़ें क्लियर होगी बेटा, यानी इसमें एग्जांपल समझा रहा हूँ, जब ये यूज़र इसमें कहेगा ना एंटर अ करेक्टर, वो जो पहले एग्जांपल दिया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्टर को डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन इसमें जब आप यूज़र लिखा रहा होगा ना एंटर अ करेक्टर, तो यूज़र अगर जो एंड करेक्टर एंटर कर रहा है ना सपोज ये, तो ये डिस्प्ले मिलेगा। इसमें एंटर करेक्टर जो हो रहा है यूज़र एंटर कर रहा है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो समटाइम ये पासवर्ड को भी सेव करने के लिए, यानी पासवर्ड हिडन करने के लिए भी हम गेट करेक्टर यूज़ करते हैं। और दूसरा, हर प्रोग्राम के एंड पे हम गेट सी एच क्यों लगाते हैं, प्रोग्राम को पास करने के लिए, यानी स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, गेट सी एच। कि अगर अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे हम रन करेंगे ना हमें आउटपुट शो होगी, कुछ सेकंड्स के लिए डिसअपियर हो जाएगी स्क्रीन, लेकिन हम चाहते हैं उस स्क्रीन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब तक हम चाहते हैं उस टाइम तक डिस्प्ले रहे, तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हम गेट सी एच के जब तक हम खुद उसे क्लोज या मिनिमाइज़ ना करें हमारे पास स्क्रीन डिस्प्ले रहे, तो हम गेट सी एच हर फंक्शन यानी प्रोग्राम के एंड पे यूज़ कर रहे थे। तो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गेट सी एच। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा। तो ये थे आपके पास इनपुट फंक्शन जो हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हेल्प कर रहे थे।